अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनबॉक्स एवरीथिंग पीके। आज मैं अनबॉक्स करूंगा डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर मॉडल नंबर BM405। ये इसका बॉक्स है, इसके बाहर सारे फंक्शंस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं अब आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसमें से क्या निकलता है। अनबॉक्स ये पहले मैं कर चुका हूँ क्योंकि जहाँ से मैंने ली थी तो वहाँ मैं चेक करके इसको लेके आया था, लेकिन मैं आपको बता दूँगा इसमें से क्या क्या निकला साथ। ये देखें, इसमें एक बैग दिया हुआ है, उसका एक हैंडल है, उसे हम पकड़ के बाहर निकाले ये, तो ऐसे ये बैग है, जिप लगी हुई है। इसको हम खोलेंगे, इसमें ऐसे ही मशीन होगी, ये वो है बैंड है जिसे हम बाजू पर पहन के बीपी चेक करेंगे, और ये डिजिटल मॉनिटर है, और इस बैंड में से जो पाइप आ रहा है वो उतरा होता है, जब हम मशीन परचेज करते हैं वो ऐसे उतरा होता है। इसको हम इसमें लगा के ऐसे पुश करेंगे, हार्डली पुश करेंगे तो वो इसमें ऐसे चले जाता है, तो ये इनका कनेक्शन आपस में हो जाता है, ठीक है। ये मॉनिटर आप देख सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये दोनों बटन यूज़ नहीं किए, लेकिन ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ होती है। इधर बैटरीज आएंगी, इसकी ट्रिपल ए बैटरीज आती हैं, इसमें पेंसिल सेल्स जिसको बोलते हैं, चार बैटरीज डलती हैं, बैटरीज इन्होंने साथ दी हुई हैं, पैकेट में पैक होती हैं, मैंने तो ओपन की हुई थी तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये हम ऐसे डालेंगे, फिर इसको हम तो बैटरी डालने के बाद हम आपको बताते हैं कि बीपी चेक कैसे करना। ये मॉनिटर है और ये जो बैंड है इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, इसमें बाजू डाल के इसको अच्छे से टाइटली हमने, ये स्टिकर होता है, ऐसे कर देना। अब ये मशीन देखें आप, आपने जब बीपी चेक करना है तो अपना बाजू बिल्कुल रिलैक्स करके नीचे रख देना कहीं पे भी, तो लंबे सांस लेने हैं, फिर स्टार्ट का बटन आपने दबाना है तो ये बीपी चेक होना शुरू हो जाएगा। मैं तो बातें कर रहा हूँ लेकिन आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे वो तेज चल रहा है तो वो जो मैंने बैंड पहना हुआ है वो उसकी ग्रिप टाइट होती जा रही है और वो हार्ट बीट को अच्छे से पकड़ रहा है। ये देखें, हार्ट बीट भी मेंशन कर रहा है लाइटली, ये देखें 118 and 84 नॉर्मल होता है, 120 80 ये मेरा नॉर्मल है। तो इसको हम ऐसे चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम स्टॉप कर देंगे तो ये ऑफ ऐसे बंद हो जाएगी, लेकिन आपने जब चेक कर लिया तो एहतियातन आप इसको खोल के एक सेल निकाल के इसको हमेशा रखिएगा, क्योंकि ये पड़े पड़े पुश हो जाएगा तो ये अंदर चल भी जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, सेल भी वीक होंगे और इसकी जो लाइफ होगी मशीन की वो भी कम होती जाती है जितनी जितनी यूज़ होगी। और इस बैग में ये भी है कि इसको यूज़ कैसे करना है, गाइडेंस इसमें सारी है, तो ये ऐसा तो यही है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग देख सकें। शुक्रिया।